कांग्रेस पर भड़की बहन जी, 7 सीटों के ऑफर पर गुस्साई मायावती ने कहा, जबरदस्ती गठबंधन का भ्रम न फैलाए कांग्रेस। बसपा सुप्रीमो ने अपनाया सख्त रुख। रविवार को कांग्रेस ने ऐलान किया था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के लिए 7 सीटें छोड़ रही है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे, दर्शन के लिए भाजपा कार्यालय लाया गया पार्थिव देह, SAG ग्राउंड में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। रविवार देर शाम भी अंतिम संस्कार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची प्रयागराज, हनुमान मंदिर में पूजा के बाद शुरू की जल यात्रा, जल मार्ग से दुमदुमा के लिए हुई रवाना। प्रियंका प्रयागराज से वाराणसी के बीच की संसदीय सीटों के नेताओं, संभावित उम्मीदवारों के अलावा गरीब बुनकरों, किसानों से सीधा संवाद करेंगे। बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर उलझ गया महागठबंधन, सीटों की संख्या को लेकर महागठबंधन में शामिल पार्टियां आर पार की लड़ाई के लिए तैयार। फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस बनी RJD का सिर दर्द, कांग्रेस चाहती है 11 सीटें तो RJD 8 सीटें देने पर अड़ी। और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर दिया विवादित बयान, कहा पप्पू कहता है PM बनूंगा, अब तो पप्पू की पप्पी आ गई है। बयान की हो रही है चौतरफा आलोचना। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।